हेलो एवरीवन, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज अभी अभी हैं हम गोवा में, तो अभी रात का टाइम हो रहा है और बागा बीच पर आए हुए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी। और आज के दिन हमारा होटल भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, पता नहीं कैसे काटेंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि हम बागा बीच पर पूरा रात काटने वाले हैं, लेकिन बागा बीच बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। थोड़ी देर बाद साफ़ हो गया था, लेकिन ठीक है, फिर हम अपने ट्रैफिक में लगे रहे। पूरे दिन हमारा ट्रैफिक में ही निकल गया, हम लोग पूरी रात में ट्रैफिक में ही निकल गए। उसके बाद फिर हम सुबह जाएंगे और फिर खाना पीना खाएंगे एंड उसके बाद फिर होटल देखेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पर होटल निकालना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। हमने खाना खाया है रात वाला, सुबह 7 बजे। हाँ, 7 बज गए सुबह के। मैं कह रही भैया से कि देखो दिन निकल गया, कह रहे 7 बज गए, दिन तो निकलेगा ही। मैंने कहा सही बोल रहे हो, क्या मस्त लग रहा है। भागे भागे देखो दोनों, ये तो पीछे अच्छा गिली इसी में देती, परछाई आ रही है। गुड्डू कोई लेके नहीं गया आपको, आजा 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 आजा। कितना मजा आ रहा है, इसको देखो कैसे बैठे हैं। मस्त, हम तो यहाँ पर ये लेके आए आकाश और मम्मी तो सो रहे कार में, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे। अब हम तो लेट सकते हैं, हम उनसे तो सही हम ही सोएंगे, वैसे कोई वायरल नहीं हुआ। जो असली वो नहीं होता अंग्रेज, जो आराम से चटाई बिछा के लेट जाते हैं आराम से धूप लेने के लिए, उसी का मजा तो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कैंप लगाने का ज्यादा वो है, अच्छा लगेगा यहाँ पर, है ना। अच्छा ये बड़ा सुंदर है, लेकिन यार अभी भैया गए हैं उधर आकाश को और मम्मी को लेने लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा नज़ारा हो रहा है तो उसको वो एंजॉय वो भी कर पाएंगे। और कार पे तो वैसे भी सो नहीं पाएंगे और बहुत ही मतलब सब को नींद ही आ रही, क्योंकि ढंग से रात में कोई सोया ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम, मैं तो लेट गई हूँ थोड़ी देर, कि जी लोग आएंगे तो फिर सो नहीं पाएंगे, थोड़ी देर लेट लूँ तो कमर सीधी कर लूँ उस पर। गाइस कैसा लग रहा है, ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं, मैं और आकाश जरा थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं यार रात में। हाँ अगर वो ट्रैफिक हमारी पूरा ट्रैफिक में बिगाड़ हुई है। हाँ पूरी रात ट्रैफिक में बिगाड़ हुई है। हाँ इतनी गंदी भीड़ थी रात में, पूरा नीरे चला गया ऐसे ही। ये बात तो है, और पूरी रात कोई सोया भी नहीं बेचारे, अब सो रहे हैं। हाँ कोई नहीं, अब थोड़ा सा अब थोड़ा यहाँ पर देख के थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा सा लगने लगा, अब हो जाएगा। नंगे पैर चलने ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें, चलते हैं थोड़ा चाय वाय या कुछ जूस जैसा कुछ मिल जाए ना, पी के आते फिर, है ना। चलो हमने फ्रूट्स ले लिए, दो तीन पाइनएप्पल और गुआवा और वाटरमेलन। और पापा को ज़्यादा कॉल करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हैं। हाँ कर दे, मम्मी का फोन आया था, मैं मम्मी से बात हो गई मेरी, मम्मी को भी कर दूँ ना। हाँ कर दो, पापा को कर लो। मजा आ रहा है। क्या कर रहे हो अब, पानी में कर सकते हो, वैसे नहीं कर पाओगे। देखो हो गया ना, कर दो। ये सल्लू भाई, सल्लू भाई लग रहा, सही कह रहे हैं। पार्टनर अपने आंख में दर्द कर दिया पहले ये, हैं चश्मा लगा के रखो, भली फैशन के लिए ना सही, लेकिन वैसे भी चश्मा लगाओ। कल्लू भाई, प्रेम भाई, अच्छा चलाया था उसने, उधर से चला के लेके गया था ना वो, स्पीड में लेके गया था उस टाइम।
अपनी अपनी पंटल अपने अपना सामान लेके चल दी है अब, क्योंकि बहुत भयंकर धूप हो रही है। सोना वो लेके आ रही है, वो आ रही पीछे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, सही मसाज हो रही है और तो कुछ नहीं, यहाँ ज़्यादा गर्म है पता है, उस साइड वहाँ पे ना वहाँ ठंडा तब भी। चलो ठीक है अब चलते हैं, चिंडी से बोलते ना नारियल पानी पी के चलेंगे सब, क्योंकि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन सी भी हो रही है सन की वजह से। नहा धो के अब खाना शुरू करते हैं, चलो इसे यहाँ ले चलिए, ये जो सेंट है यहाँ पर, यहाँ पे ले चलिए, ये बज रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अरे वाह, गुड्डी तो तैयार हो कि शंता के पास आ गया है। खड़ा कर दे, खड़ा नीचे खड़ा कर दे इसके पास। शंता है, शंता रूरू यहाँ रुके हुए हैं हम, और भैया अभी सोना आ रहे हैं और फिर हम जाएंगे बीच पर, बीच पर, बीच पर सोना के पास है। अब मुझे भी वीडियो करा दिया तुमने। स्लीपर है क्या? हाँ।